नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार पटेल BHU कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम BHU के संक्षिप्त इतिहास और इसके विशेषताओं के बारे में जानेंगे, BHU की स्थापना के उद्देश्य के बारे में जानेंगे और BHU में मिलने वाली समस्त सुविधाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं BHU के इस रोमांचक सफ़र पर हमारे साथ। 20वीं शताब्दी में प्रवेश करता हुआ भारत, जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशवाद का हिस्सा था, गुलामी की जंजीरों में जकड़े भारतीय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहे थे। इस समय देश के अनेक सपूत देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने को तत्पर थे। देश के इन्हीं महान सपूतों में से एक थे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, जो भारत के निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी, कुशल राजनेता, महान समाज सुधारक एवं विशाल तथा बहुआयामी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। महामना की सोच अत्यंत दूरदर्शी थी। इनका मानना था कि अगर राष्ट्र को स्वतंत्र करना है तो राष्ट्र के युवाओं को शिक्षित करना होगा, परंतु उस शिक्षा का स्वरूप ना ही पाश्चात्य हो ना ही धार्मिक, अपितु उस शिक्षा पद्धति में आधुनिकता एवं धर्म तथा संस्कृति का समन्वय समावेश हो, ताकि देश के युवाओं की आने वाली पीढ़ियों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ दर्शन, धर्म एवं संस्कृति, नैतिकता, अनुशासन एवं चरित्र का भी विकास समारूप रहे, जिससे राष्ट्र का भविष्य भी उज्ज्वल, खुशहाल एवं विकसित होगा। इन्हीं महान विचारों के साथ मालवीय जी ने भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प लिया। इस महान कार्य की दिशा में प्रथम बैठक सन 1904 में काशी नरेश प्रभु नारायण जी की अध्यक्षता में हुई। जनवरी 1906 ईस्वी त्रिवेणी संगम से कुंभ मेले के आयोजन के दौरान भारत भर से आई जनता के बीच महामना ने अपने संकल्प को दोहराया एवं विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दान इकट्ठा करना प्रारंभ किया। इस दिशा में डॉक्टर एनी बेसेंट एवं दरभंगा नरेश महाराजा रामेश्वर सिंह का विशेष योगदान रहा। देश भर के राजे, रजवाड़ों, सामंतों एवं आम जनता ने यथाशक्ति दान करके सहयोग दिया। सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप 15 दिसंबर सन 1911 को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष महाराजा दरभंगा थे। सन 1915 में केंद्रीय विधानसभा से हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ एवं तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की स्वीकृति के पश्चात 4 फरवरी सन 1916 वसंत पंचमी के पावन अवसर पर गंगा के पति तट पर स्थित पवित्र काशी नगरी के पश्चिम छोर पर मालवीय जी द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का शिलान्यास हुआ। उक्त समारोह में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, देश के अनेक गवर्नर, राजे, रजवाड़े, सामंतों तथा आम जनता मालवीय जी के स्वागत एवं सहयोग के लिए पधारे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं एनी बेसेंट की भी गरिमामयी उपस्थिति समारोह में रही। डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1891 से संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज मालवीय जी को सौंप दिया। विश्वविद्यालय में सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ, तत्पश्चात क्रमशः आर्ट्स कॉलेज एवं साइंस कॉलेज स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय का औपचारिक उद्घाटन 13 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया। इस विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर लगभग 1360 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है एवं वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना प्रस्तुत करता है। विश्वविद्यालय का अधिन्यास उगते सूर्य के समान है। भारतीय दर्शन के अनुसार उगता सूर्य ज्ञान के फैलते स्रोत का प्रतीक है। मुख्य द्वार सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं। परिसर का हरा भरा पर्यावरण, सुनियोजित स्वच्छ सड़कें, सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षों की हरियाली एवं पक्षियों की मधुर चहचहाट बहरबस ही मन मोह लेती है। यह विश्वविद्यालय दुनिया का संभवतः इकलौता विश्वविद्यालय है जहां नर्सरी और प्राइमरी से लेकर PhD एवं पोस्ट डॉक्टोरल तक की शिक्षा उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 संस्थान, 15 संकाय, 139 विभाग, 1 कॉलेज एवं कई अंतर्विषय केंद्र स्थापित किए गए हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धति एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के अध्ययन हेतु यहाँ चिकित्सा विज्ञान संस्थान स्थापित है। इसके अंतर्गत आधुनिक चिकित्सा संकाय, आयुर्वेद संकाय एवं दंत संकाय मिलाकर 3 संकाय आते हैं। यह संस्थान
बीएचयू परिसर में स्थापित सर सुंदरलाल चिकित्सालय एवं ट्रामा सेंटर से जुड़ा हुआ है। भारत कृषि प्रधान राष्ट्र है, अतः कृषि क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान हेतु आधुनिक कृषि विज्ञान संस्थान बीएचयू में स्थापित है। तकनीकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं खोज के लिए स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में ही स्थापित है। इन प्रमुख संस्थानों के अतिरिक्त विभिन्न संकायों के माध्यम से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। 21 विभागों एवं 5 अंतर विषयक केंद्रों के साथ कला संकाय विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा एवं पुराना संकाय है। सामाजिक जीवन एवं समन्वय के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान संकाय स्थापित है। वित्त वाणिज्य व्यापार एवं प्रबंध शास्त्रों के अध्ययन हेतु वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय है। विधि संकाय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून मानवाधिकारों एवं लोकतंत्र तथा संविधान के अध्ययन हेतु स्थापित है। शिक्षा की नवीन पद्धतियों को समझने हेतु शिक्षा संकाय स्थापित है। दृश्य कला संकाय संगीत एवं मंच कला संकाय मानव जीवन के कलात्मक एवं रचनात्मक विकास हेतु स्थापित किए गए हैं। देश के अग्रणी विज्ञान संस्थानों में से एक लगभग विज्ञान की सभी शाखाओं की शिक्षा देने वाला विज्ञान संकाय है। मालवीय जी के विचारों के अनुरूप प्राचीन वेद धर्म दर्शन एवं संस्कृति की शिक्षा हेतु संस्कृत विद्या धर्म संकाय स्थापित है। पर्यावरण की महत्ता सुरक्षा एवं समरसता को बनाए रखने हेतु पर्यावरण एवं संपोष विकास संस्थान भी मालवीय जी के परिसर में स्थापित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कुल 6 महाविद्यालय एवं 3 विद्यालय संबद्ध हैं। परिसर के ही अंतर्गत स्थापित महिला महाविद्यालय वसंत कन्या महाविद्यालय कमक्षा, बसंत कॉलेज राजघाट, आर्य महिला डिग्री कॉलेज चेतगंज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज कबीरचौरा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय कमक्षा, केंद्रीय हिंदू विद्यालय एवं केंद्रीय हिंदू कन्या विद्यालय भी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के अतिरिक्त एक अन्य परिसर वाराणसी से 70 किमी दूर मिर्जापुर के बरकछा क्षेत्र में 2700 एकड़ के भूभाग पर स्थापित है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिभाशाली एवं योग्य छात्र एवं छात्राओं को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जहां 84 से अधिक छात्रावासों में 15,000 से अधिक छात्र छात्राएं रहकर शांति एवं सौहार्दपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। विश्वविद्यालय में लगभग 40 देशों के 35,000 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गुणवत्ता को बयां करता है यहाँ स्थापित सयाजी राव गायकवाड़ पुस्तकालय। इस विशाल पुस्तकालय में 15,00,000 से अधिक पुस्तकें, 13,000 ऑनलाइन जर्नल, 50,000 ई पुस्तकें एवं अनेक दुर्लभ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। इसके निकट ही आधुनिक साइबर लाइब्रेरी भी स्थापित है, जिसमें 400 छात्रों के बैठने की सुविधा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संकायों एवं संस्थानों में लाइब्रेरी की निजी श्रृंखला है। इस परिसर के केंद्र में स्थापित है आध्यात्मिकता एवं धर्म का प्रतीक सफ़ेद संगमरमर से निर्मित भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर मालवीय जी के मूल्यों के अनुरूप निर्मित हुआ है एवं मालवीय जी के समय में ही इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। छात्रों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए छात्र स्वास्थ्य सेवा संकुल स्थापित किया गया है, जहाँ बीएचयू के प्रत्येक छात्र को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श एवं दवा वितरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त खेल कूद के लिए अनेकों विशाल मैदान, आधुनिक खेलों के सभी संसाधन, स्वास्थ्य के लिए जिम, स्विमिंग पूल एवं योग एवं प्राणायाम केंद्र स्थापित हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। प्राचीन इतिहास एवं
पुरातत्व के महत्व की मूर्तियाँ, भृतिकाएँ एवं कलाकृतियों के संग्रह एवं संरक्षण हेतु भारत कला भवन म्यूजियम स्थापित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय प्रांगण में चिकित्सालय, गौशाला, प्रेस, बुक डिपो एवं प्रकाशन, टाउन कमेटी, PWD शाखा, स्टेट बैंक की शाखा, पर्वतरोहण केंद्र, नेशनल कैडेट कोर प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्र, मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, ATM की शाखाएं, अतिथियों के निवास हेतु लक्ष्मण दास अतिथि गृह एवं फैकल्टी गेस्ट हाउस एवं शांति स्वरूप भटनागर गेस्ट हाउस, इसरो द्वारा स्थापित मौसम प्रशिक्षण केंद्र इग्नू की शाखा एवं हिंदू यूनिवर्सिटी नामक डाकखाना संचालित है। श्री सरसुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर अमरनाथ झा, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर रामस्वामी अय्यर, डॉक्टर त्रिगुण सेन जैसे मूर्धन्य विद्वान यहाँ के कुलपति रह चुके हैं, जिनके कुशल नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विश्वविद्यालय में नृत्य, संगीत एवं वादन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं लेखन, साहित्य रचना, चित्रकला जैसे कार्यक्रमों के नियमित आयोजन द्वारा छात्रों के कलात्मक एवं रचनात्मक क्षमता को मंच का स्वरूप देकर निखारा जाता है। विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम स्पंदन का आयोजन करता है, जिसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालय भाग लेते हैं। विश्वविद्यालय का कुलगीत मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर जी के कवित्व हृदय से लिखी गई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संभवतः दुनिया का अकेला विश्वविद्यालय है जिसके पास स्वयं का हेलीपैड एवं माइक्रोक्राफ्ट विमान है। विश्वविद्यालय की सुरक्षा का कमान यहाँ के प्रॉक्टोरियल बोर्ड के अंतर्गत होता है, जिसके सुरक्षाकर्मी 24 घंटे छात्रों की सुरक्षा में मुस्तैद तैनात रहते हैं। इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षाकर्मियों की विशेषता यह है कि यहाँ आर्मी के रिटायर्ड जवान ही सुरक्षाकर्मी के रूप में तैनात होते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने देश को अनेक विभूति सौंपे हैं, जिन्होंने यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके पूरे देश एवं विश्व में भारत का परचम लहराया है। ऐसे महान विभूतियों में इतिहासकार एवं साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हिंदी साहित्य के दिग्गज लेखक रामचंद्र शुक्ल जी, हरिवंश राय बच्चन जी, भारत के महान वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर जी, वैज्ञानिक बीरबल साहनी, वैज्ञानिक एवं भारत रत्न CNR राव, भारत रत्न संगीतकार भूपेन हजारिका, जयंत विष्णु नार्लिकर, लाल मणि मिश्र, महादिग्गज नेता जयप्रकाश नारायण, गीतकार समीर, अभिनेता सुजीत कुमार, कई दिग्गज नेता जैसे बाबू जगजीवन राम, मनोज सिन्हा, संघ प्रमुख माधव सदाशिव गोलवलकर, अशोक सिंघल, मनोज तिवारी जैसे महान लोग इस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करके देश को अपनी सेवाओं से कृतज्ञ किया है। महामना की राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान एवं सेवा की कृतज्ञता को प्रकट करते हुए सन 2015 में भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया, जिसे उनके परिवारजनों ने उन महामना की कर्मभूमि एवं उनके विशाल परिवार विश्वविद्यालय परिवार को सौंप दिया। यह भारत रत्न भारत कला भवन में सुरक्षित रखा हुआ है। उच्च शिक्षा के इस अनूठे केंद्र का उद्देश्य महज शिक्षित करना नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना है। यहाँ शिक्षा सिर्फ जीविकोपार्जन का माध्यम मात्र नहीं, वह मूल्यों और आत्मविश्वास का आधार है। यहाँ ज्ञान का प्रसार ही नहीं,
बल्कि ज्ञान का सृजन भी महत्व रखता है। जय हिंद, जय भारत, जय महामना।